जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। यो अनेन विधिनः श्राद्धं कुर्यात् वै शान्तमनः। यो अनेन विधिनः श्राद्धं कुर्यात् वै शान्तमनः। व्यपेत कल्मषो नित्यं याति नावर्तते पुनः। हे माद्री, कल्प में तथा जो है कूर्म पुराण आदि में ऐसे वचनों की प्राप्ति होती है कि जो व्यक्ति जो है शांत मना, शांत मन से विधि पूर्वक, विधिना श्राद्धं कुर्यात्, विधि पूर्वक श्राद्ध करता है तो वह जो है वपेत कल्मषो नित्यं, सभी पापों से जो है तो मुक्त हो जाता है और नावर्तते याति पुनः, और दोबारा जो है उसका जन्म नहीं होता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से जो है वह व्यक्ति छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए जो है श्राद्ध की आवश्यकता, श्राद्ध हर एक व्यक्ति को जो है तो करना ही चाहिए। मैंने जो है चर्चा की थी कि जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है, सामर्थ्य होते हुए भी जो श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर जो है उस परिवार को अभिषिक्त कर देते हैं, श्राप देते हैं, और वह अभिषिक्त परिवार नित निरंतर जो है कष्टों से, संघर्षों से उसका जीवन जो है तो भरा रहता है, वह कष्ट झेलता है, उसके संतान जो है होती नहीं है, और यदि हो तो वह अस्वस्थ होती है कदाचित, और वह सब जो है तो दीर्घायु नहीं होते, कहीं न कहीं जो है अल्पायु होते हैं, उन्हें निरोगता प्रदान नहीं होती, आयु उनकी लंबी नहीं होती है, और किसी न किसी प्रकार का कोई भी कल्याण का जो है तो कार्य उसके परिवार में नहीं होता है, तथा मृत्यु के बाद अंत में उसे जो है तो नरक की प्राप्ति होती है। यह स्पष्ट जो है हारीत स्मृति में जो है तो लिखा गया है। कहते हैं कि ना तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न सतायुषः नाचा श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम्। ना तत्र वीरा जायन्ते, उसके यहां कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है, नारोग्यम उसे आरोग्य की प्राप्ति नहीं होती है, न सतायुषा न सतायु प्राप्त होती है, सतम जीवंत भवंता, हमारे यहां हर एक व्यक्ति की आयु कम से कम 100 वर्ष मानी गई है वेद के अनुसार, तो वह भी जो है उसे प्राप्त नहीं होती है, न श्रेयो अधिगच्छन्ति न कल्याण की प्राप्ति होती है, अर्थात यह सब चाहिए तो हमें जो है श्राद्ध करने की आवश्यकता है। तैत्तरीय उपनिषद में भी जो है यह बात कही गई है कि देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रवदितव्यम, अर्थात देवता और पितरों की कार्य में किसी भी प्रकार से प्रमदित तब्यम ना कर्तव्यम, मतलब प्रमाद नहीं करना चाहिए, प्रमाद से जो है प्रत्यभाव होता है, अर्थात प्रयत्न करके हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जो है तो अपने पूर्वजों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपना श्राद्ध समर्पित करे, उसका कर्तव्य है और उसे जो है तो श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण श्राद्ध की दो विधाएं हैं, मैंने बताया था, एक तो सपिंड श्राद्ध होता है, दूसरा
ब्राह्मण भोजन आदि करा करके जो है तो हम श्राद्ध कर सकते हैं, उस श्राद्ध की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि वे सूक्ष्म होते हैं, वायवी होते हैं, अर्थात जिस काल जो है आप श्राद्ध करने का संकल्प करते हैं तो वह पितर आपके जो देवलोक में है या पितृलोक में है, और जिस समय आप मंत्रों का उच्चारण करके उनको जो है बुलाते हैं तो वह तत्क्षण श्राद्ध देश में उपस्थित हो जाते हैं वायवी होने के कारण। और यदि कदाचित आप ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं तो वह निमंत्रित जो ब्राह्मण है उस निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में जो है सूक्ष्म रूप से जो है वो प्रवेश कर जाता है, और सूक्ष्म कणों के द्वारा आघ्राण के माध्यम से वह जो भोजन आदि आप उसे समर्पित करते हैं उसे वो ग्रहण करता है और उससे जो है वो तृप्त होता है। ऐसा जो है अथर्ववेद में जो है स्पष्ट लिखा है, अथर्ववेद में जो है कहा गया है, इदमोदनम निदधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम। अर्थात इदम ओदनम, इदम ओदनम भोजन का जो है ओदनोप उपलक्षित है, भोजन का जो है उपलक्षित एक जो है स्वरूप है, अर्थात यह भोजन, यह भोज्य पदार्थ ब्राह्मणेषु निदधे, ब्राह्मण के शरीर में मैं स्थापित कर रहा हूं, यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग को जीतने वाला है, स्वर्ग लोक जीतम, स्वर्ग को जीतने वाला है। और इसी वृत्ति को, इसी बात को स्पष्ट करते हुए मनुस्मृति में भी जो है तो कहा गया है, महाराज मनु ने जो है तो स्पष्ट किया है, यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः। मनुस्मृति अध्याय 1, 59 श्लोक कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के माध्यम से ही, ब्राह्मणों के मुख से देवता जो है हव्य ग्रहण करते हैं, त्रिवदिवौ कसा और पितरा पितरलोक हव्यानि, हव्य जो है तो ब्राह्मण के मुख से ही जो है तो ग्रहण करते हैं। तो यह बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि पितर जो है अंतरिक्ष आदि में विचरण करने वाले हैं, भाई भी शरीर धारण करते हैं, अंतरिक्ष में रहने के कारण पितरों को जिस समय जो है यह पता चलता है कि श्राद्ध पक्ष आ गया, श्राद्ध काल आ गया, इस बात को सुनकर के ही जो है वो बहुत तृप्त हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और मैंने कहा था कि ये मनोजभूत होते हैं, इनकी गति जो है मन के अनुसार चलने वाली होती है, मन के अनुसार चलते हैं। और जैसे ही हमने जो है तो इनको स्मरण किया, इनके स्वयं संबंधी ज्ञाति बंधु बांधव जो है स्मरण किए, तत्काल जो है तो वायवी होने के कारण वह जो है श्राद्ध देश में जो है उपस्थित हो जाते हैं, और उस ब्राह्मण के माध्यम से जो निमंत्रित ब्राह्मण है उस निमंत्रित ब्राह्मण के माध्यम से गुप्त रूप में उसमें प्रविष्ट होकर के उसके प्राण वायु की भांति उसके साथ में वो ब्राह्मण चलता है तो वो चलते हैं, वो बैठता है तो बैठते हैं, अर्थात उस ब्राह्मण के साथ में ही जो है विचरण करते हैं। यह कोई मैं जो है अपने से नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट कहा है, निमंत्रितान ही पितरः उपतिष्ठन्ति तान दुजान वायुवत् अनुगच्छन्ति तथा सीनानुपासते।
वह जो है उस ब्राह्मण के शरीर में वायुवत वायु होकर के प्राणवायु के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं और वायु रूप में वह पितर ब्राह्मण के साथ ही जो है जैसी वह क्रिया करता है उसी के साथ में जो है वह भी क्रिया करते हैं। और जो आप जो है भोज्य पदार्थ आदि जो है समर्पित करते हैं ब्राह्मण को उसे जो है तो वह पान करते हैं। सतपथ ब्राह्मण में भी जो है इसी बात को कहा गया है, तिर इव बई पितरो मनुष्येभ्यः, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण वह पितर मनुष्यों में दृष्टि से जो है अगोचर रहते हैं, मनुष्य की दृष्टि में नहीं आते हैं, वो उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। कारण कि वह जल अग्नि वायु आदि के स्वरूप से जो है विचरण करते हैं लोकांतर में, उनको जो है कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती है, वह कहीं भी जो है किसी भी समय जो है तो जा सकते हैं। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि यदि जो है आपके पास ब्राह्मण भोजन कराने की सामर्थ्य नहीं हो तो अमान्य सूखा अनाज भी जो है आप दे करके जो है श्राद्ध कर सकते हैं, साक आदि के माध्यम से भी जो है आप श्राद्ध कर सकते हैं। तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साकैरपि यथा विधि, साक खरीदने का भी यदि सामर्थ्य नहीं हो तो तृण काष्ट आदि लकड़ी बेच करके उससे पैसा जुटा करके उस पैसे के माध्यम से भी जो है तो आप श्राद्ध कर सकते हैं। हाँ, इनमें अधिक श्रम की आवश्यकता होगी, लेकिन अधिक श्रम से जो किया गया श्राद्ध है वह जो है तो लाख गुना अधिक फलदायी होता है। यदि किसी देश में घास भी नहीं हो, लकड़ी भी उपलब्ध नहीं हो और श्राद्ध करना आवश्यक है, तब कैसे करें? तब उसके लिए जो है अलग व्यवस्था बताई गई है। यदि हमारे पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य हमें प्राप्त नहीं हो रही है और श्राद्ध करना ही है, तत् एतत् पुण्य प्रसादेन गतेषोः सुरमन्दिरम्। पद्म पुराण में जो है यह बात कही गई है, पद्म पुराण में यह बात कही गई है कि यदि कदाचित घास आदि भी उपलब्ध नहीं हो तो श्राद्धकर्ता को देश काल के अनुसार किसी एकांत जगह में, निर्जन जगह में जो है तो चले जाना चाहिए और वहां दोनों हाथ उठा करके, आकाश की तरफ दोनों हाथ करके और उस समय जो है तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जो विष्णु पुराण में जो है तो कहा गया है। विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि नामे अस्ति वित्तम ना धनम चा नान्य श्राद्धोपयोग्यम स्वापित्री नतोस्मि त्रप्यन्तु भक्त्या पितरो मयितो क्रतौ भुजौ बर्मणि मारुतस्य। नामे अस्ति वित्तम, हे पितर, हे पितृगण, मेरे पास श्राद्ध करने के उपयुक्त ना तो धन है, ना धान्य है, ना मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है। मैं इन्हीं के द्वारा, मात्र श्रद्धा भक्ति के द्वारा, क्योंकि मेरे पास मात्र श्रद्धा और भक्ति ही है, मैं इन्हीं मात्र श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से ही आपको तृप्त करना चाहता हूं। आप मेरी श्रद्धा और भक्ति से तृप्त हो जाएं, आप तृप्त हो जाएं। मैं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दोनों भुजाओं को आकाश में उठा करके आपको तृप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। हे पितर, आप संतुष्ट हो, लेकिन
यह बात जो है सत्य होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र श्राद्ध में एक बात निषेध करता है, वित्त साठ्यम न समाचरेत। व्यक्ति को जो है कंजूसी के माध्यम से ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में जो है पूर्ण उदारता होनी चाहिए और पूर्ण अपने वैभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध में धन व्यय करके जो है तो श्राद्ध को करना चाहिए। अर्थात यथार्थ में यदि आपके पास कुछ नहीं है और आप इस तरह से एकांत देश में जा करके बैठ करके और दोनों हाथों को ऊपर खड़े करके आकाश में पितरों के लिए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, नामे अस्ति वित्तम नाधनम नान्य छाद्योपयोग्यम स्वापितृन्नतोऽस्मि त्रप्यन्तु भक्तया पितरो मयैतो कृतो भुजो बर्मनि मारुतस्य। जब आप जो है इस तरह से उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो निश्चित वह पितर जो है आपसे संतुष्ट होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए जो है मित्रों श्राद्ध हर एक व्यक्ति को करना ही चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।